तो वहीं किसानों के आंदोलन को लेकर हमारे संवाददाता पवन सिवर ने कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने ये कहा कि आंदोलन पंजाब की कांग्रेस सरकार का आयोजित कार्यक्रम है। साथ ही कृषि मंत्री ने यह दावा किया है कि इस आंदोलन में हरियाणा के किसानों की कोई भूमिका नहीं है। किसानों के आंदोलन पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल हैं। दलाल साहब, आज हरियाणा की सड़कों पर पानी की बौछार, बैरिकेडिंग तोड़ते किसान, इस तरह के हालात क्यों बन गए सर? आज पंजाब सरकार के द्वारा प्रायोजित जो आज का ये कार्यक्रम था वो पंजाब के किसानों को बर्बाद करने वाला है। पहले ही पंजाब के रेलवे लाइन पर इतने दिनों से किसानों को बैठाकर ट्रेन का आवागमन बंद करके, खाद की कमी वहाँ पैदा करके किसानों को बर्बाद करने का काम पंजाब की पार्टी, कांग्रेस पार्टी और पंजाब की सरकार ने किया है। और हरियाणा का किसान थोड़े बहुत कांग्रेसियों को छोड़कर इस आंदोलन के पक्ष में नहीं है। हरियाणा का किसान, जो भ्रम फैलाया गया था कि मंडियां नहीं रहेंगी, एमएसपी नहीं रहेगी, उसके सामने उसने देख लिया कि अच्छी मंडियाँ चली हैं, अच्छी एमएसपी चली है, सीधा खाते में पैसा आया है। तो हरियाणा के किसान को इस आंदोलन से लेना देना नहीं है, ये सब पंजाब के सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट करके कहा है कि अगर हरियाणा सरकार किसानों को संतुष्ट, अब जब अपने हरियाणा किसानों को संतुष्ट नहीं कर पाई, पंजाब के सर पे ठीकरा फोड़ने की कोशिश की जा रही है। पंजाब के किसान को संतुष्ट करने का काम पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का है, और उसने जो ये कानून पास किए हैं दो, एमएसपी नहीं रहेगी, इससे भी पंजाब का किसान बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि पंजाब कहाँ खरीदती करती है? क्यों नहीं पास किया उसने कि भी सारी फसलों को वो खरीदेंगे? क्यों नहीं कहा कि गेहूं और धान की परचेज 12 महीने चलाई जाएगी? ये सिर्फ ढकोसला है। केंद्र सरकार की परचेज को छोड़ के उसने कहा है कि मंडियां चलेंगी, और मंडी में अगर 10-20 रुपये भाव डाउन हो जाता है, कोई खरीदार की सजा होगी, तो पंजाब का किसान जाएगा कहाँ? उसको बर्बाद करने का काम किया है। और रेलवे लाइन पर जाम करके वहाँ खाद की कमी हो गई है। पंजाब का किसान हरियाणा की तरफ मारे मारे फिर रहे हैं, खाद के लिए घूम रहे हैं। पंजाब का जो रवैया है सरकार का वो अनुचित है और संविधान के खिलाफ है। आखिरी सवाल है, हरियाणा के अंदर अगर किसान के ऊपर पानी की बौछार होती है, पुलिस उसके ऊपर बल प्रयोग करता है, तो ठीक रहा तो हरियाणा सर के ऊपर फूटा है ना सर? आपने अपने बॉर्डर सील किए थे तो फिर कैसे आए किसान आगे? और अगर किसानों को आपको दिल्ली जाने देना था तो फिर ये बैरिकेडिंग करने की, बॉर्डर सील करने की जरूरत क्या थी? ये ऐसा है कि हरियाणा तीन तरफ राजधानी के क्षेत्र में है, हमारा अपना दायित्व है, उस दायित्व को हम पूरा करेंगे। और जो अव्यवस्था फैलाना चाहती है, चाहे वो दिल्ली में ही क्यों ना हो, वो भी गलत बात है। हम इस चीज़ को रोकेंगे। और किसान जो हरियाणा के हैं, मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने इस आंदोलन को नकार दिया। हरियाणा के किसान की भागीदारी इसमें नगण्य है। थोड़े से कांग्रेसी छोड़ के सब किसान जो है अपने अपने खेतों में काम कर रहे हैं। और पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी ने जो ये कारनामा किया है, इसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद सर। तो ये हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल हमारे साथ हैं, जिन्होंने कहा है कि जो किसान आंदोलन है वो पंजाब की कैप्टन सरकार का प्रायोजित है, और साथ ही उन्होंने कहा है कि हरियाणा के किसानों की इसमें आंदोलन में कोई भूमिका नहीं है। जो इसमें हरियाणा के किसान नजर आ रहे हैं वो किसान नहीं बल्कि कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी चंडीगढ़।